एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तापमान में गिरावट या वृद्धि भले ही हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी जा रही है। माना जा रहा है कि ठिठुरन भरी सर्दी इस बार फरवरी के मध्य तक रह सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आने से अब की बार मौसम का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। हवाएं मंद चल रही है, नमी 90% तक बनी हुई है, बरसात भी अभी नहीं हो रही है। इसके चलते दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। बादल भी निचले स्तर पर बने हुए हैं। इन्हीं सब कारणों से सूरज का ताप ढंग से धरती तक नहीं पहुंच पा रहा और कभी कोल्ड डे तो कभी शीतलहर की स्थिति बन रही है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि स्थिति में अभी आने वाले कुछ दिनों में कोई बदलाव के संकेत नहीं है। 26 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मैदानी क्षेत्रों में इसका सीधा असर तो नहीं होगा, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी जरूर हो सकती है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के जरिए इस बर्फबारी की ठंड फिर पूरे उत्तर भारत को कपकपा सकती है। 30 और 31 जनवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ आने का पूर्वानुमान है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के चलते ठिठुरन भरी ठंड का असर मध्य फरवरी तक बना रह सकता है। कोल्ड डे या शीतलहर वाली स्थिति फिर से बन सकती है। बारिश हो जाए तो मौसम का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन इस महीने तो ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही। पीछे मुड़कर देखें तो पिछले वर्ष भी दिसंबर में ना तो बर्फबारी हुई थी और ना ही बरसात। इस साल भी कमोबेश वैसे ही हालात बन रहे हैं। अब की बार तो दिसंबर के आज जनवरी में भी बारिश नहीं हुई। ठंड भी दिसंबर के बजाय जनवरी से ही जोरदार पड़ रही है और फरवरी तक जाने लगी है। कहा जा रहा है कि फरवरी के मध्य तक ठंड रह सकती है। मौसम चक्र के इस तरह से आगे खिसकने के पीछे विज्ञानी जलवायु परिवर्तन के असर से भी इनकार नहीं करते। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को 25 जनवरी के बाद से घने कोहरे से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 26 जनवरी के बाद कोहरा छटना शुरू हो जाएगा। बिहार की बात करें तो कुछ हिस्सों को छोड़कर 25 जनवरी तक प्रदेश में हल्का कोहरा बने रहने की संभावना है। हालांकि बिहार के कुछ इलाके 27 जनवरी तक ही कोहरे की मार झेलेंगे।